हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में यहाँ पे आपको बताऊंगा फ्रीबीज प्रोडक्ट्स के बारे में। तो फ्रीबीज प्रोडक्ट में जैसा कि वर्ड लगा हुआ है फ्री, मीन्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं और ये कई सारी वेबसाइट्स इंडिया में भी प्रोवाइड करती है, इंडिया के बाहर भी प्रोवाइड करती हैं। तो अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ, तो बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, पर डे ऐसे ऑफर्स मिस नहीं करना है। तो और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या मतलब कर लीजिएगा, जहाँ पर शॉर्ट टाइम ऑफर्स आपसे मिस नहीं होंगे जो आएंगे वो। तो देखिए, इसमें क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं जैसा कि मैंने पहले बोला। तो इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अली एक्सप्रेस के बारे में, और इसको मैं कभी कभी भाई खुद भी अप्लाई करता रहता हूँ इसको लेके। तो मैंने सोचा भाई आपके लिए भी चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ, शायद आपको ना पता हो इसके बारे में, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद देखिए, आपको अली एक्सप्रेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, आईडी बना लेना है, सब काम कर लीजिएगा, छोटे मोटे काम है वो। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा फ्रीबीज का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस सेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद मदर एंड किड्स में जाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। अवेलेबल वाले में जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपको प्रोजेक्टर है, ईयरफोन है, ट्रू वायरलेस ईयरफोन है, ठीक है, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे वॉचेस एंड ज्वेलरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड है और काफ़ी सारी चीज़ें, देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, और महंगी भी मिलेंगी, सस्ती भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब क्या करना है आपको, सारी चीज़ मैं डिटेल्ड में विद कंडीशन बताता हूँ कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। देखिए सपोज़ आपको जैसे कि कीबोर्ड अप्लाई करना है, कीबोर्ड आपको लेने का मन है, यहाँ जाते हैं। तो यहाँ जाने के बाद आपको पहले इसमें सारी जानकारी भी दिख जाएगी कि भाई देखिए ये 5 कीबोर्ड अवेलेबल हैं फ्री के लिए, और यहाँ पे अभी 5709 लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा लोग अप्लाई भी करते हैं, सच्चाई ये है, और इसका ओरिजिनल प्राइसिंग यहाँ लिखी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। तो आप एक दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी खासियत ये है कि ऐसा नहीं मंथली, वीकली या दिन में एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं, भाई आप दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, हर दिन 2 बार किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई कितने एप्लीकेंट्स हैं, जहाँ पर कम हो वो चीज़ वो प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको नीचे अप्लाई फॉर क्लिक पे फ्री फॉर यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर फ्री पे। उसके बाद देखिए मैं आज क्या कर चुका हूँ, दिन में 2 प्रोडक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। तो बस आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक करना रहता है, अपना एड्रेस सेलेक्ट करके ओके कर देना रहता है, बस मुश्किल से 10 सेकंड का काम है और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई फॉर फ्री पे क्लिक कीजिए, एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, बस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप माई फ्रीबीज वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे अप्लाइड फॉर में जाके आप देख सकते हैं कि आज आपने किसके लिए अप्लाई किया है, वॉन वाले में देख सकते हैं क्या जीते हैं, नॉट वॉन में क्या नहीं जीते हैं, और रिव्यूज़ के लिए भी आपने किन प्रोडक्ट को रिव्यूज़ किया है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, फ्री में देखिए कोई किसी को कुछ नहीं देता है, सच्चाई ये है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च होते हैं वो रिव्यूज़ के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप उस पर अपना रिव्यू शेयर करें, और दूसरा कस्टमर जब उसको पैसे दे के खरीद रहा हो तो वो रिव्यूज़ देख के कम से कम उसके लिए हेल्पफुल हो कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट कोई पैसे दे के नहीं खरीदना चाहता है जब तक उसके रिव्यूज़ उसको ना दिख जाएँ। तो फ्री में आपको भेजे जाते हैं कि आप उसको रिव्यूज़ आप लोगों को मिल जाएँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे फ्रीबीज रिव्यूज़ का सेक्शन है, उसके ऊपर हाउ कैन आई बिकम फ्रीबी निंजा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जितनी भी क्वेरीज आपके मन में है सारी दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको स्टेप लिखे हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो स्टेप 1 में है कि आप दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। स्टेप 2, 72 घंटे के अंदर आप 72 घंटे में आपका जो एप्लीकेशन होगा वो क्लोज कर दिया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने जीता है या नहीं जीता है, जो कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था नीचे जो एक सेक्शन था उसमें। स्टेप 3, आप लोगों को $0.01 की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भेजा जा सकता है, एटलीस्ट 5-10 पैसे की पेमेंट करनी पड़ती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, फ्री में कभी भी आपको नहीं भेजा जाएगा, और मीन्स आपको $0.01 की पेमेंट एटलीस्ट करनी ही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप 4 में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करना है और वहां पर रिव्यू उसका लिख देना है, रिव्यू यहां पर वेबसाइट पर लिखना है। अब यहां पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि कैसे विनर सेलेक्ट किए जाते हैं, तो रैंडमली आपका कितनी आपने शॉपिंग की है, ये सब चीज़ें भी वैसे लिखी हुई है इन्होंने, बट मुझे लगता है रैंडम ही सेलेक्ट करना था, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितनी शॉपिंग की है और कितने आप एक्टिव हैं, ये सब देखा जाता है। तो आप अगर ये चीज़ें देखी भी जाती हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रैंडम ही अगर सेलेक्ट होना है तो हो सकता है आपका चांस बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद सेकंड है कि कितने कब तक मुझे ये मिलेगा, तो 72 घंटे में क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन, उसके बाद आप देख सकते हैं आपको मिला है या नहीं मिला है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर मुझे प्रोडक्ट मिल गया तो क्या, अगर और मैंने उसको रिव्यू नहीं किया तो क्या होगा। भाई अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि पुलिस पकड़ लेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है, भाई नेक्स्ट टाइम आप बैन कर दिए जाएंगे, आप
कोई भी फ्री प्रोडक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर मुझे फ्रीबी नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, भाई आप सेलर से कॉन्टैक्ट करिए, अदरवाइज अगर वो आपको रिप्लाई ना करें तो आप AliExpress से कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। चौथा है कि क्या फ्रीबीज हैं वो सारे वर्ल्ड वाइड सब यहाँ पर शिप की जाती हैं, तो भाई वर्ल्ड वाइड सब जगह नहीं की जाती, कुछ कंट्रीज़ में यहाँ पर कस्टम की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर नहीं की जाती है। अगर ऐसे केस आपके साथ बनते हैं तो आप AliExpress को कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। चौथा है कि चौथा या पांचवा जो भी है वो उसमें आपको डिलीवरी क्या फ्री है, तो भाई कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हैं कि यहाँ पे फ्री है, सब जगह फ्री नहीं है। और भाई यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं है, तो ओवरऑल अगर आप प्रोडक्ट जीतते हैं तो थोड़ी बहुत शिपिंग आपको देनी पड़ सकती है। तो महंगे प्रोडक्ट अगर आप जीत जाते हैं शिपिंग देनी पड़ती है तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है उसमें, दे सकते हैं आप लोग। तो ये मैंने फुल आपको प्रोसेस बताया, सारी चीज़ें बताई, और अब बस मेरे ख्याल से तो पर डे 5-10 सेकंड का टाइम लगना है, मुश्किल से आधे मिनट का टाइम लगना है। अप्लाई करिए पर डे 2 प्रोडक्ट्स के लिए और शायद कभी आपका नसीब अच्छा हो और आप जीत जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जीतेंगे तो आपकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो तत्काल इस वीडियो में बस इतना ही है, बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नया टॉपिक, नए ऑफर्स, नए शॉपिंग टिप्स के साथ, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।